10,86 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित वेजिटेबल मार्केट पिछले 4 महीनों से धूल फांक रहा है, जबकि नागा बाबा खटाल के सब्जी और फल दुकानदार जगह उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। नागा बाबा खटाल के सब्जी फल दुकानदारों को व्यवस्थित करने के लिए रांची नगर निगम द्वारा 10,86 करोड़ की लागत से नवनिर्मित वेजिटेबल मार्केट बनाया गया। इसे खटाल के सब्जी फल दुकानदारों को एक आस जगी थी कि उन्हें एक व्यवस्थित जगह मिल जाएगी, लेकिन यहां महज 144 दुकानदारों को लॉटरी के माध्यम से दुकानें आवंटित की गई है, लेकिन यहां ग्राहक नहीं पहुंचने की वजह से इनके व्यवसाय पर प्रभाव पड़ रहा है, लिहाजा इसको लेकर ये बाजार में सब्जी बेचने को मजबूर है। तो पूरा उम्मीद था कि बाजार में हम लोग का दुकान मिलेगा, इसलिए कि मेरा सर्वे कागज भी है, नंबर वंबर सब अभी पॉकेट में रखे हैं, फिर उसके बावजूद भी नहीं मिला। यही रोडे में बेच रहे हैं, वहाँ बिकवे नहीं करता है तो क्या करें। 144 हम लोग तो वहाँ चल गए हैं, हम लोग चल गए हैं, माल लेते हैं, कच्चा बिजनेस है, कच्चा बिजनेस एक दिन नहीं बिक रहा है दूसरा दिन फेंकना पड़ रहा है हम लोग को। हम लोग का कहानगिरी यही है कि जल्द से जल्द लोटी किया जाए, सबको अंदर किया जाए। साल 2016 में हुए सर्वे के आधार पर 144 दुकानदारों को लॉटरी के माध्यम से दुकानें आवंटित की गई, जबकि यहां कुल 332 दुकानें बनाई गई हैं। बाकी बची दुकान पर दुकानदारों को व्यवस्थित करने की दिशा में नगर निगम का रवैया ढुलमुल है। यही वजह है कि उद्घाटन के 4 माह बीत जाने के बाद भी अब तक यहां दुकानदार पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं किए जा सके हैं। कैमरामैन रोहन के साथ रांची से न्यूजीलैंड भारत के लिए दीपक उरांव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।